सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं वीडियो में कैप पहन के स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यार मॉर्निंग से ही ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अभी क्लाउड से तो स्टार्ट ही गया था, देन एकदम से ऑर्डर आ गए। स्विगी का ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर आएगी स्विगी का, क्योंकि तो अभी ये दो स्पाइसी पनीर पिज्जा के ऑर्डर आ रखे हैं, तो इन्हीं को मैं बना रहा हूँ अभी। और मतलब कि यार कभी कभी तो मेरा खुद भी मन कर जाता है पिज्जा खाने का, देख के इतना मतलब कभी कभी ना इतना बढ़िया बन जाता है, इतना चीज़ी बनता है पिज्जा। बनता तो वैसे हमेशा ही है, बट कभी कभी ऐसा मन सा नहीं होता कि कभी कुछ यार अलग सा खाना है, बाहर का खाना है, वैसा कुछ हो जाता है। तो फटाफट से देंगे ऑर्डर, पहले बना लेता हूँ। आजकल स्विगी में क्या हो रहा है कि सबसे पहले ऑर्डर इसी में आते हैं मॉर्निंग से ही मेरे पास, कि क्योंकि पता है क्या, क्योंकि है ना मेरे पास एक मेल आती रहती है इनकी, पता नहीं क्या, कि आपका जो आउटलेट है वो सेलेक्ट हुआ है हमारे ऑफर के लिए, तो हमारा ऑफर जो है वो इस डेट को रन होगा आपके आउटलेट पे। पहले क्या होता था स्विगी पे कि बहुत ही ज़्यादा कम ऑर्डर आते थे, जैसे कि एक आ गया, दो आ गया, लेकिन अब क्या हो रहा है कि भाई तीन चार, कभी कभी तो पाँच छः ऑर्डर्स भी आ जाते हैं इस पे। मतलब पता नहीं कौन सा ऑफर है उनका, वो बीच बीच में रन कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बढ़िया है, बट पता नहीं क्या है ना उसमें कोई डिडक्शन भी वो करते हैं थोड़ा सा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई 149 का पिज्जा है तो वो सेल करते हैं उसको 129 में, मतलब 20 रुपए वो लेस कर देते हैं जो भी एमआरपी होता है मेरा उससे। और आजकल ना मैंने पिज्जा में एक नई चीज करी है कि मैं क्या करता हूँ, जो लिक्विड पहले मैं चीज डालता था वो क्या करता था, मैं राउंड करके डालता था, गोल गोल आपने देखा होगा, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको पिज्जा सॉस के साथ ही मिक्स करके डाल देता हूँ, जिसके वजह से भाई जो पिज्जा बेक होके निकल रहा है, मतलब इतना बढ़िया लग रहा है, इतना चीजी लग रहा है, आप देखना कि आपको कितना बढ़िया दिखेगा ये। क्योंकि यार मैं हमेशा ना कुछ कुछ नई नई चीज़ें देखता रहता हूँ कि यार इस तरीके से करूँगा तो कस्टमर को कैसा लगेगा, अगर ऐसा करूँ तो कस्टमर को कैसा लगेगा। और इससे आपको भी हेल्प मिलेगी समझने में कि कस्टमर को कौन सा पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि जब वो फीडबैक शेयर करते हैं ना तो आपको उससे समझ आएगा कि अगर अच्छा किया है मतलब कि ये वाला पिज़्ज़ा लोगों को पसंद आ रहा है, अगर दूसरे तरीके से आप बनाओगे तो उसमें अगर लोगों ने और अच्छा फीडबैक दिया तो आपको समझ आएगा कि भाई ये वाला ज़्यादा अच्छा चल रहा है। ये जो मैंने पिज़्ज़ा बनाया था यार, इतना बढ़िया पिज़्ज़ा बना कि मैं क्या बताऊँ। ये देखो पिज़्ज़ा देख के यार कितना लाजवाब लग रहा है, कितना मज़ेदार, स्पाइसी और एकदम मतलब कि क्या बोलूँ, चीज़ी सा लग रहा है। कुछ लोग क्या है कि वीडियोस वगैरह को देख के पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं मेरे पास से, और मैं देखता हूँ कि उनकी लोकेशन है काफ़ी दूर दूर की किसी किसी की होती है, या फिर राइडर की भी मतलब देखो गलती इसमें है कि वो किस तरीके से पिज़्ज़ा को ले जा रहा है। अब आप लोग खुद देखो इस वीडियो में कि आपको देख के समझ ही आ रहा होगा कि पिज़्ज़ा किस तरीके से कैसा लग रहा है। साफ समझ आता है यार, देख के ही समझ आता है कि पिज़्ज़ा खाने में अच्छा होगा भी कि नहीं होगा। अब कभी कभी क्या है कि राइडर ऐसी हाथ में लेके पिज़्ज़ा जाता है जिसकी वजह से उन्हें पूरा ठंडा पिज़्ज़ा मिलता है, तो उन लोगों को लगता है कि यार वीडियो में तो ये कुछ और दिखाता है और देता कुछ और है। तो मेरे प्यारे भाई लोगों, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कभी यहां आओ और यहां गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाओ फिर बताना। राइडर भाई के पास ना बैग नहीं था, ठीक है, तो उसीलिए मैंने पॉलिथीन दे दी थी, क्योंकि पिज़्ज़ा देखा आपने कितना बढ़िया लग रहा है। अब ये बढ़िया पिज़्ज़ा अगर कस्टमर के पास मतलब बेकार तरीके से जाएगा, गिर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो फिर वो देखो यार वो तो बेकार ही लगेगा, फिर किसी को लेगा यार पता नहीं कैसा घटिया पिज्जा दिया है। लेकिन वही है, अगर आप यहाँ पे आके खाओगे ना भाई तो आप बोलोगे नहीं कि फिर बताना टेस्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो भी मतलब जो भी लेके मेरे आस पड़ोस के लोग जाते हैं ना उनको इतना बढ़िया टेस्ट लगता है। और पिज्जा अगर अच्छे से जाएगा ना सीधा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, गर्मा गर्म पिज्जा मिलेगा तो भाई बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे मिनी पिज्जा ही आ रहे हैं, जो 8 inches के पिज्जा उसके बहुत ही ज्यादा कम आ रहे हैं। जैसे कि देखो ये वाला भी मिनी पिज्जा की बॉक्स मैंने रखे, क्योंकि अवन के अंदर 2 मिनी पिज्जा मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। तो मिनी पिज्जा यार बहुत सही चल रहा है, और मैं आप लोगों से ही बोलूंगा कि देखो आप लोग भी मिनी पिज्जा को ऐड करो अगर आपके मेन्यू में ऐड नहीं है। तो चलो फटाफट से इस वाले पिज्जा को पैक कर लेता हूँ, राइडर भाई भी अभी आने वाले, बस लोकेशन पहुंचने वाले हैं वो। ये पिज्जा देखो आप, ये चीज पिज्जा है और ये है आपका अनियन पिज्जा, कितना बढ़िया और कितना चीजी लग रहा है, देख रहे हो। ऐसे पिज्जा को देख के ना मेरा भी मन सा कर जाता है कि यार मैं भी खा लूं, बट कंट्रोल कर लेता हूं कि नहीं ये तेरे लिए नहीं है, क्योंकि यार देखो अगर मैं ऐसे खाने लग गया ना फिर तो भाई जंक फूड ही डेली खाता रहूंगा, और उसके बाद तो वेट कम की जगह और मेरा बढ़ता ही जाएगा फिर, तो इसीलिए मैं अवॉइड करता हूं यार ये चीज़ें अभी बाहर के खाने के लिए, क्योंकि मेरे को वेट अभी थोड़ा सा ना कम करना है, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा मेरा गेन हो रहा है। गेन क्या हो रहा है मतलब मेन यहीं पर आ रहा है सारा वेट, क्या करें यार जीव जो है वो कंट्रोल में नहीं रहती है, और फिर मन कर ही देता है कभी कभी कुछ ना कुछ खाने का। तो चलो अब मैं राइडर भैया का वेट कर रहा हूँ, ये ऑर्डर बन चुके हैं, देन थोड़ी सी यहाँ से सफाई कर लूँ, देन फिर आता हूँ। तो राइडर भैया अभी लोकेशन पे आ गए थे, और कुछ राइडर्स ना इस टाइप के बैग यूज करते हैं, तो इस टाइप के बैग्स भी अच्छे हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से पिज़्ज़ा चले जाते हैं, बट कुछ कुछ यार ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कुछ लेके ही नहीं आते और सीधा स्कूल बैग के अंदर डाल देते हैं, तो वो गलत है फिर। जस्ट मैंने अभी मॉर्निंग में जो बॉक्सेस वगैरह बनाए थे सारे के सारे, बट दोबारा खत्म हो गए, और ये कुछ मैंने फीडबैक स्लिप वगैरह बनाई है काफ़ी सारी, इसको भी मैं इस पर लगाऊंगा,
और बॉक्सेस बना रहा हूँ 6 इंचेस के, क्योंकि 6 इंचेस के मुझे लग रहा है दोबारा से मुझे बंडल लाना पड़ेगा। अब एक में एक ही बंडल बचा हुआ है, मैं लेके आया था 2 बंडल, बाकी पहले के भी थे कुछ, सारे खत्म हो गए, बस एक और बचा हुआ है, वो भी मुझे लग रहा है खत्म ही हो जाएगा, वो भी खुलने ही वाला है आज ही, तो ज़्यादा दिन तक वो भी नहीं चलेगा, तो ये बना लेता हूँ। ये जो बचे हैं ये सारे आज यूज हो जाएंगे मेरे ख्याल से, ये सारे के सारे। तो ये कितने बचे हैं, 7-8 होंगे कुछ, ये चलो ये बनाता हूँ। बाकी क्या बोलते हैं, भैया को भी कल मैंने बोल दिया है बेस लेके आने के लिए, क्योंकि मेरे पास बेस खत्म हो गया था और मैं बार बार भूल जाता हूँ, क्योंकि मुझे 4 बजे से पहले बोलना होता है भैया को और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता काम की वजह से, तो मैंने उनको बोल दिया है आज ही, अभी मॉर्निंग में बोल दिया कि भैया मुझे बेस चाहिए, तो बेस कल लेके आ जाएंगे। तो बाकी देखते हैं, ये न्यू वाला भी बंडल मुझे अब खोलना ही पड़ेगा यार, क्योंकि बॉक्सेस वगैरह ज़्यादा बचे नहीं है, मुझे दोबारा से लेके भी आना पड़ेगा। कल जाऊंगा, देखता हूँ कल नहीं तो चले जाऊंगा। अरे यार कल तो मुझे कहीं जाना भी है, अब कल तो हो सकता है कि क्लाउड इशू में बंद ही रहेगा, देखता हूँ फिर कब लेके आऊंगा, और परसों भी तो मुझे काम है, अब देखते हैं टाइम मिलेगा तो फिर मैं लेके आऊंगा। बाकी इसको मैं रख देता हूँ इधर, चलो ये वाले भी थोड़े से बना लेता हूँ, बाकी तो मैंने बना दिए, बाकी तो देखो ये मैंने बना दिए कुछ, ये बनाए मैंने कुछ और कुछ ये बनाए हैं, और फीडबैक स्लिप भी मैंने डाल लगाई थी इनमें पे, ये देखो दिखाता हूँ, ये इसलिए रखा है ताकि इससे थोड़ा सा ना प्रेस होके रहेगा तो सही रहेगा उस पर, क्योंकि सारे ऑर्डर्स पे देखो सारे ऑर्डर्स पे लगाने की जरूरत नहीं होती है फीडबैक की, क्योंकि मान लो एक कस्टमर के 3 पिज्जा हैं तो सिर्फ एक ही बॉक्स पे मैं लगाता हूँ, इसलिए मैंने एक एक छोड़ के लगा रखे हैं कि एक पे लगा दिया देन फिर दूसरे पे नहीं लगाया मैंने ऐसे करके, ठीक है। चलो फिर बॉक्स वगैरह तैयार कर लेता हूँ मैं। बाकी वो जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, एक अनियन पिज्जा था और एक चीज़ पिज्जा था, कितना बढ़िया यार बनाया था मैंने, देखा था ना आपने, और बताओ कस्टमर ने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। कैंसिल क्या कर दिया मतलब जोमैटो ने ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि कस्टमर कॉल पिक नहीं कर रहा था, पता नहीं वहाँ पे यही लिखा आ रहा था कि कस्टमर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग करके। मतलब यार इतना बुरा लगता है ना यार कि मतलब इतने अच्छे से आप कोई चीज़ बनाओ और बताओ वो कस्टमर तक ना पहुँचे और कस्टमर मतलब इस तरीके से कर दे फिर वो चीज़, फिर बताओ अगर राइडर भी वो ऑर्डर खाएगा तो बेचारा वो उसको भी तो यार ठंडा ही मिलेगा ना, 1 घंटे बाद बताओ वो ऑर्डर जाके कैंसिल हुआ। और मुझसे कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि आपके पास गार्लिक ब्रेड के ऑर्डर नहीं आते क्या, कि मतलब उसके ऑर्डर्स कम आते हैं या क्या है। ऐसा नहीं कि गार्लिक ब्रेड के ऑर्डर्स नहीं आते हैं, उसके भी ऑर्डर्स आते हैं बट थोड़े कम आते हैं, क्योंकि मेरे जो मेन्यू में गार्लिक ब्रेड है वो राउंड वाले हैं और वो चीज वाले हैं सिंपल वाले बिल्कुल, और जो मोस्टली कस्टमर्स हैं यार उनको ना स्टिक वाले गार्लिक ब्रेड ज्यादा पसंद आते हैं। और यार सच बताऊं तो मुझे बहुत मन है गार्लिक ब्रेड ऐड करने का, स्टफ वाले भी और विदाउट स्टफ वाले भी। और गार्लिक ब्रेड का असली मजा तब आता है जब यार वो हैंडमेड हो बिल्कुल, और आपको तो पता है यार कि मैं अकेला हूं तो इतनी सारी चीजें भी मैनेज नहीं हो पाएगी, बस थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूं यार, और उसके बाद मैं हैंडमेड पिज्जा ही बनाऊंगा और मैं हैंडमेड गार्लिक ब्रेड भी बनाऊंगा। उससे पहले आप ये पिज्जा देखो कितना शानदार लग रहा है, अब मैं थोड़ा अलग तरीके से पिज्जा को बना रहा हूँ तो भाई उससे इतना ज्यादा चीज़ी लग रहा है पिज्जा, और इतना मतलब कि बढ़िया लग रहा है कि क्या बताऊँ। और आज तो एक प्रॉब्लम हो गई थी यार स्विगी के ऑर्डर के साथ, मुझे एक स्विगी का भी ऑर्डर आया था जिसमें कस्टमर ने तंदूरी पनीर पिज्जा और एक फुली लोडेड सैंडविच पिज्जा किया था। अब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जो सैंडविच पिज्जा थे वो मैंने कब के यार वहां पे मैंने आउट ऑफ स्टॉक कर रखे थे, क्योंकि कुछ टाइम से मैंने उसको बंद ही कर दिया था, बट स्विगी पे पता नहीं वो कैसे ऑन हो गया और कस्टमर ने उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया। उसके बाद मैंने वहां पे जाके उसको आउट ऑफ स्टॉक मार्क किया और फिर कस्टमर को कॉल किया, तो पता चला कि वो कस्टमर मतलब मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं और वो भी द्वारका साइड से ही हैं और वो भी अपना क्लाउड किचन ओपन करना चाहते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट कर देना ताकि मैं रिफंड के लिए यहाँ से कर पाऊँ, क्योंकि यार मेरे को कोई भी नोटिफिकेशन स्विगी से अभी तक नहीं आई थी रिफंड के लिए आपके एंड से। फिलहाल तो यार मैंने जो सैंडविच पिज़्ज़ा थे उसको मैंने डिलीट ही कर दिया वो कैटेगरी, पता नहीं ये स्विगी वाले कैसे मतलब कि स्टॉक में डाल देते हैं चीज़ों को। पहले तो मैं ऑर्डर को ही कैंसिल करने वाला था बट स्विगी पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता है, वहाँ पे सिर्फ आउट ऑफ स्टॉक का ही ऑप्शन आता है और वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि कौन से आइटम आपके आउट ऑफ स्टॉक है, एंड देन उसके बाद आपको कस्टमर को कॉल करके ये चीज़ बताना पड़ता है कि भाई ये वाला आइटम हमारा आउट ऑफ स्टॉक है। और जोमैटो में ऐसा है कि अगर आप वो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो वहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन आता है तो आप कैंसिल कर सकते हो, बट स्विगी में मैंने अभी तक ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं देखा है। तो चलो गाइस यार चलते हैं, काफ़ी लेट हो गया, पहले ऑफ कर देते हैं लाइट्स वगैरह, अभी रात के 1 बज रहे हैं। अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं यहाँ तो उल्टा दिखेगा आपको, देखो उल्टा दिखेगा, सीधा कर लेना, 1 बज रहे हैं रात के। और क्या बोलते हैं, बहुत लेट हो जाता है यार, देख रहे हो आप मतलब इतना ज़्यादा लेट हो जाता है मुझे। तो आज मतलब सारे ऑर्डर्स तो निपट गए, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2 ही ऑर्डर में हुई थी, एक तो कैंसिल हो गया था ऑर्डर
सेकंड वाले में ये इशू आया था कि पता नहीं स्विगी वालों ने किस तरीके से उसको मतलब कि स्टॉक में डाल दिया और मुझे फिर कस्टमर को कॉल करके बताना पड़ा कि सर ये ऑर्डर है नहीं मेरे पास। चलो बाकी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अभी मुझे एडिटिंग भी करनी है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। एंड आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पे इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है तो यहाँ भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है तो वो भी आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके टाटा बाय।